मध्य प्रदेश में कई रियासतें फली फूली हैं और इनकी धरोहर इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हीं में से एक है रीवा रियासत, जिसका गोविंदगढ़ किला। महाराजा मार्तंड सिंह का बचपन यहीं पर बीता था और यही रखा गया था दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन को। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रीवा का नाम कानों में पड़ते ही हमारे जहन में सफेद बाघ की तस्वीर उभरती है। ये रियासत देश के इतिहास का अहम हिस्सा रही है। इसी से जुड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है गोविंदगढ़ का किला, जिसने रीवा स्टेट का गोल्डन पीरियड देखा है। साल 1853 में राजा रघुराज सिंह ने इसे बनवाया था। किसी वक्त यहाँ पूरा राजघराना रहा करता था। इसी किले में महाराजा मार्तंड सिंह का बचपन बीता। किले की एक एक दीवार उनकी उम्र के अलग अलग हिस्सों की गवाह रही है। ये किला अपने सुनहरे दौर का चश्मदीद रहा है और इसने खुद को खंडहर में तब्दील होते भी देखा है। इसकी खूबसूरती का जिक्र दूर दूर तक किया जाता था, इसलिए इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाया करती थी और पास बना तालाब इसे जन्नत जैसा बनाता था। अब इस किले को बचाने के लिए इसे लग्जरी होटल में बदला जा रहा है। गोविंदगढ़ के इस किले से देश के पहले व्हाइट टाइगर मोहन की कहानी भी जुड़ी हुई है। ये कहानी भी इतनी ही दिलचस्प है जितना इस किले का इतिहास। जो सफेद शेर मोहन है, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ कि उसकी माँ को महाराजा अजीत सिंह ने मार दिया। अब दो बच्चे बचे, एक सफ़ेद था, एक ब्राउन कलर का था। तो ब्राउन कलर के बच्चे को महाराज कुमार स्वरूप सिंह जी ने मार दिया। अब बचा सफ़ेद शेर। जैसे ही महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के मामा उनको मारने के लिए गन उठाया और एम ले लिया, तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने बड़ा तेज से चिल्लाया कि मामा साहेब मत मारिए, ये रेयर बाघ है, रेयर शावक है, इसे मुझे पकड़ना है। तो उन्होंने गन डाउन कर दिया, मारा नहीं। अब क्या हुआ कि जो सफ़ेद शेर का बच्चा था, सफ़ेद बाघ का बच्चा था, वो एक गुफा में घुस गया। जहाँ पे उसमें गुफा में घुसा था उसमें पत्थर से उसको ढक दिया ताकि निकल ना पाए बाहर। दूसरे दिन उसके लिए पिंजरा बनवाया गया। 1951 में इसे पकड़ा और पकड़ के इसको गोविंदगढ़ ले आए। आज दुनिया भर में जितने भी सफेद शेर मिलते हैं वो मोहन की संतानें हैं। महाराज मार्तंड सिंह ने मोहन को गोविंदगढ़ के किले में रखा था। यहाँ तीन बाघिन बेगम, राधा और सुकेसी के साथ मोहन को अलग अलग वक्त में रखा गया, जिनसे मोहन के कुल 34 बच्चे हुए और इनमें से 21 सफेद थे। बेगम ने 7 शावकों को जन्म दिया, सुकेसी ने 13 और बाघिन राधा ने सबसे ज्यादा 14 शावकों को जन्म दिया। महाराजा मार्तंड सिंह और मोहन के बीच जज्बाती रिश्ता भी था। आज दुनिया में जहाँ भी सफेद शेर हैं, वो रीवा की नस्लें हैं, मोहन की नस्लें हैं, मोहन उनका पितामह है और उसी के संतानें आज पूरी दुनिया में हैं। और रीवा सफेद शेरों की वजह से, गोविंदगढ़ सफेद शेरों की वजह से आज जाना जाता है। मोहन को दुनिया से गए 54 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी रीवा के लोग मोहन को याद करते हैं। दुनिया के इस पहले सफेद बाघ से मानो रीवा की पहचान जुड़ी हुई है। अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज, रीवा।